जेनेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे जहाँ तक मुझे पता है सब सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत डर लगता है, क्योंकि कभी उसमें कॉन्सेप्ट्स में मिस्टेक्स होती हैं, कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होती हैं और क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं और बहुत सिली सिली मिस्टेक्स है। तो बात है उन दिनों की जब मैंने एडफोकस में पढ़ना शुरू किया था, तो और जब जेनेटिक्स की क्लास शुरू हुई थी, तो मुझे याद है पहली क्लास, और ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं था जिससे सर ने क्वेश्चंस ना पूछे हों और ऑलमोस्ट सबने गलत आंसर्स दिए थे। तो वहाँ से ये पता चला था कि किसके कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। और फिर एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, वो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। तो एडूफोकस में जो जेनेटिक्स की क्लासेस होती हैं उसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे और आप खुद ही देखेंगे अपने में इम्प्रूवमेंट की हम पहले फर्स्ट क्लास में कहाँ थे और एंड ऑफ द जेनेटिक्स के जो सेशन होगा उसमें आप कहाँ रहेंगे, उस बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। और जेनेटिक्स फॉर नेट जेआरएफ प्रिपरेशन और फॉर एमएससी एंट्रेंस प्रिपरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है जिसको कतई इग्नोर नहीं करना चाहिए। और बहुत कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जेनेटिक्स में बहुत। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप कोई इधर उधर की बुक से नहीं पढ़ेंगे, आप बहुत जो भी रिकमेंडेड बुक्स हैं बाय CSIR आप उन्हीं से पढ़ेंगे। और मुझे याद है कि जब जेनेटिक्स की क्लासेस हुआ करती थी तो हम तीन चार दोस्त जो साथ में बैठते थे, हम लोग आपस में क्वेश्चंस डिस्कस करते थे, चाहे कहीं भी हम जा रहे हों या फिर क्लास में ही हों। और एक चीज़ जो मैं कहूँगा कि जेनेटिक्स में हम इतने क्वेश्चंस करते थे कि जब सुबह नेक्स्ट डे जब सुबह सर क्लास शुरू करते थे तो हमारे पास डाउट्स में ही इतने सारे क्वेश्चन होते थे कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, सर यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहा है। तो फिर हमारा 1 घंटा जो सुबह होता था वो इसी डिस्कशन में जाता था, जो डाउट क्लियरेंस होता था हमारा उसी में जाता था। तो वो हम इतने सारे क्वेश्चंस हम लोग उस टाइम पे करते थे।